नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी, देश के महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज एक भाजपा की बेईमान सरकार आई है जिसकी नीति है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें 100 रुपए में केवल 1 लीटर तेल दूंगा। और ऐसे ही जुमलों का खेल खेलते खेलते तुम्हारी आमदनी, तुम्हारी बचत, तुम्हारी गुल्लक लूट लूंगा। देश ठगा महसूस कर रहा है, ठगा। भाजपा विपक्ष में जब हिंदुस्तान में 70 रुपए प्रति लीटर पे तेल बिकता था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $110 प्रति बैरल कीमत थी, तब धरने देती थी। वो भाजपा आज सरकार में आने के बाद बेशर्मी से मुस्कुरा के मोटी चमड़ी से जब तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे $65 या $66 है, देश में 100 रुपए प्रति लीटर तेल बेच रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैरल की कीमत देखते हुए देश में पेट्रोल 4300 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4300 रुपए तो दूर की बात, 2021 में ही भाजपा की मुनाफाखोर सरकार ने 43 बार तेल की कीमतें बढ़ा दी है। इसे कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो, और मुनाफाखोर भाजपा सरकार का जनता की जेब पे वार देखो। हर कोई देख रहा है कि जनता की बचत भाजपा सरकार को फूटी आंख नहीं सुहाती है, इसलिए आए दिन भाजपा सरकार तेल की कीमतें बढ़ाती है। 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी चल रही है। तुर दाल की कीमतें 120 रुपए हो गई है, सरसों की तेल की कीमत 190 रुपए हो गई है, देश में बनाई हुई कोवैक्सीन 1410 रुपए में बिक रही है, तेल ने शतक लगा दिया है। और फिर भी इस बेरोजगारी में, महामारी की आग में भाजपा सरकार महंगाई का घी डालने का काम कर रही है। इसी सबको देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता देश की आक्रोश, देश का जो पीड़ा है, देशवासियों की पीड़ा है, उसकी आवाज उठाने के लिए आज कोरोना प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सड़कों पे उतरी है इस कुंभकर्ण सरकार को जगाने के लिए। पूरे देश की आज एक ही मांग है, भाजपा सरकार शर्म करो, मुनाफाखोरी बंद करो और तेल की कीमतें कम करो। जय हिंद, जय कांग्रेस।